बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं होम्योपैथी डॉक्टर जावेद अख्तर, मेंबर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी पाकिस्तान। कोरोना वायरस के बारे में मैं अपनी व्यूज़ देना चाहता हूँ। कोरोना वायरस सबसे पहले थे कि कोरोना वायरस जो इस वक्त पूरा पेंडेमिक है, पूरी दुनिया में एक वबाई मर्ज बन चुका है, और इसकी कुछ सबसे पहले कुछ एहतियाती तदाबीर फॉर होम्योपैथी डॉक्टर्स और जनरल पब्लिक के लिए मैं अपनी व्यूज़ देना चाहता हूँ कि किस तरह हम इसके लिए एहतियाती तदाबीर करें। जो होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शन सबसे बेहतर यह है कि जब भी आप मरीज़ देखें, कोई भी रूटीन में हम जब पेशेंट देख देते हैं, उन पेशेंट्स को आप केयरफुली अपना सेफ्टी मेजर पूरी तरह लें। कोशिश ये करें कि जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो पेशेंट्स आपके रूम में ज़्यादा एक ही जगह सारे इकट्ठे ना हों, उनको आप दो से ज़्यादा पेशेंट कोच करें कि आपके पास ना बैठे हों, दो लोग से ज़्यादा, दो तीन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सेकंड नंबर पे आप मास्क जो है जिसका N95 जो मास्क है ये रिकमेंडेड मास्क है ये कोरोना वायरस के लिए, ताकि इसमें से पेनिट्रेट नहीं होता, तो ये N95 है, ये मास्क आप यूज़ करें। इसका जो प्रोसीजर है, इसका जो ये जो एरिया ये अपवर्ड होगा, और इसको आपको यूज़ करने का तरीका ऐसे होता है, इसको आप डालें ऐसे, और उसके बाद इस जगह को आप प्रेस कर देंगे। तो इसको प्रेस जब करेंगे तो ये नोज़ के साथ फिट हो जाएगा, यहाँ से आपको कोई फालतू एयर जो होती है इसके अंदर नहीं जाती, ये इसका प्रोसीजर है। तो ये जितने भी होम्योपैथी डॉक्टर हैं ये यूज़ करें। सेकंड नंबर पे आपके लिए इंस्ट्रक्शन दूसरी ये है कि जब भी आप पेशेंट देखें उस शेक हैंड ना करें, उससे एटलीस्ट आप उसको डिस्टेंस पर बिठाएँ, ताकि आपके पास जो उसकी जो आती है अपना जो ड्रॉपलेट्स हैं उसकी एयर की वजह से वो आपके पास ना आए। और अपने पास एक मास्क रखें फालतू, जो पेशेंट के लिए अलग से रखें, जो डिस्पोजेबल मास्क होते हैं, वो जितने भी पेशेंट आए उन्हें साथ रखें, वो आप उनको पहना दें, ताकि वो हर पेशेंट के लिए अलग से रखें। उसके लिए ये सेफ्टी मेजर आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि जब आप ठीक नहीं होंगे तो खुदा ना खास्ता कोई आपको सफ़र हो जाए, कौन सा पेशेंट कैसा हो सकता है, ये मेजर आप लें। सेफ्टी मास्क पेशेंट दें और ये पेशेंट के साथ ही चला जाए हमेशा, ये आप एहतियात करें। और उसके बाद पेशेंट्स के लिए, जनरल पब्लिक के लिए जो मेरी इंस्ट्रक्शन ये है कि ये आप अपने हाथ जो होते हैं वो कोशिश करें कि वाश करें, थोड़े थोड़े वक्फे से बाद वाश कर लिया करें। उसके बाद अगर किसी को भी कोई चेस्ट इन्फेक्शन है, नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ है, तो सबसे पहला ये कि वो खुद वो पर्सन जो है जिसको लगा हुआ है तो वो मास्क पहने। उसकी वजह है कि हमने दूसरों को बचाना, ज़रूरी नहीं कि आपको कोई इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन ही है, लेकिन एहतियातन आप लोग वो मास्क यूज़ किया करें, ताकि जिसको प्रॉब्लम कोई इन्फेक्शन है, ज़रूरी नहीं कि वो कोरोना वायरस ही है, कुछ भी है, आप उसकी करें और मैयत रहें, ताकि पब्लिक में न जाएँ, घर में रहें, नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें, बार बार करें, गला खुश न दें, और अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो ये तो जनरल पब्लिक के लिए इंस्ट्रक्शन है। बाकी बीइंग मुसलमान हमारा ये अकीदा है कि मौत एकदम आनी है और सबको आनी है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अकल दी हुई है। जब भी कोई वबाई मर्ज आती है तो उसके लिए हमें अकल से काम लेना चाहिए, उनकी सेफ्टी मेजर लेने चाहिए। वो सेफ्टी मेजर ये होती है कि आप पब्लिक में क्राउडेड में ना जाएँ, ये चीज़ें हमें हर सूरत में लेनी चाहिए। ये गवर्नमेंट ने भी और सब ने इंस्ट्रक्शन दी है, जैसे बहुत सारी इंस्टीट्यूशन को बैन लगा दिया, इसी तरह बहुत से इंस्टीट्यूशन को कुछ अरसे के लिए बंद कर दिए। अब चूँकि ये एक तो पेंडेमिक है, पेंडेमिक मीन पूरी दुनिया में फैल गया है, और एपिडेमिक ये मखसूस टाइम में, मखसूस एरिए में, जो ये पूरे मुल्क में ये फैला हुआ है मखसूस टाइम में, तो इसको हम एपिडेमिक कहते हैं। तो अब चूँकि ये वबाई मर्ज बन चुका है, तो इसको हम क्या इसकी सेफ्टी मैयर ले सकते हैं। अब सेफ्टी मैयर लेने के लिए आपको थोड़ी सी मैं बताता हूँ होम्योपैथी इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है। सबसे पहले होम्योपैथी करती क्या है, कैसे मरीज को, किन चीज़ों को देखती है। होम्योपैथी जो डील करती है वो सिम्टम्स को देखती है, ये पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं उन पे हमने करना होता है, और देयर टू टाइप ऑफ हम लेते हैं सिम्टम, इसमें सब्जेक्टिव सिम्टम लेते हैं और ऑब्जेक्टिव लेते हैं। ऑब्जेक्टिव जो वो होते हैं जो डॉक्टर अपनी आँखों से या टेस्टों की सूरत में देखता है, और दूसरे सिम्टम होते हैं सब्जेक्टिव, जो मरीज फाइल जो होता है, जो पेशेंट जो होता है वो आपको बताता है, जो फील करता है या आप उसको देख सकते हैं। अब हमारे पास ये दोनों प्रोटोकॉल, दोनों मेथड होते हैं,
इन दोनों को देखने के लिए। उसमें मैं आपको एक बड़ा अच्छा हमारे पास प्रोटोकॉल मेथड है जिसको हम सेगल प्रोटोकॉल कहते हैं, उसके ज़रिए हम पेशेंट को कैसे देख सकते हैं। और ये हमारा जो ट्रीटमेंट है पेशेंट उन लोगों के लिए जो अभी खुदा ना खास्ता कोरोना वायरस के से सफ़र नहीं हुए और एक पैनिक सा बन गया, मतलब लोगों को टेंशन होना शुरू हो गई है खुदा ना खास्ता ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अगर इस किस्म के पेशेंट हमारे पास आते हैं जिन लोगों को पहले से कोई चीज़ें हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास ट्रीटमेंट होता है। और उसके बाद जो पोस्ट आते हैं, जो उसके बाद खुदा ना खास्ता वो किसी को कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो जाती है, उनके लिए भी हमारे पास ट्रीटमेंट है। अब ट्रीटमेंट कैसे है, मैं इसकी लॉजिक इसलिए बताता हूँ ट्रीटमेंट है, क्योंकि हम डील करते हैं सिम्टम्स को। अब सिम्टम्स चाहे वो डिज़ीज़ को हम डायरेक्टली नहीं देखते, इनडायरेक्टली हम डिज़ीज़ को देखते हैं कि उस डिज़ीज़ ने किसी में क्या सिम्टम अपीयर किए और किस तरह उसकी फीलिंग हुई, किस तरह हुई है। और उनको जब आप डील करते हैं तो पेशेंट ऑटोमेटिकली जो पर्सन होता है वो ठीक होने की तरफ आता है। अब जो पहला आपकी तरफ आता है उसकी मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या रूब्रिक्स हो सकती है। अब हमें क्या चीज़ें सबसे पहले हमें देखनी पड़ती हैं, वो ये देखनी पड़ती है कि जब आप कोई पेशेंट आता है हमारे पास, उसके हमें पहला स्टेज है और सेकंड स्टेज है। जो हमें बिफोर खुदा ना खासा भी जिन लोगों को ये फील होता है कि उनको टेंशन हो गई है, एनजाइटी हो गई है, फियर हो गया है, या फिर उन लोगों को डेफिनेटली कुछ लोग होते हैं उनको इतनी एंटीसिपेटरी एनजाइटी होती है पहले से, उनको मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम स्टेज शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर पल्पिटेशन हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, यूरिन बार बार आ रहा है, स्टूल बार आ रहा है, नींद नहीं आ रही, ये भी अटैक्स होते हैं। और उनको ये क्या कहते हैं, बिफोर आप किसी भी इश्यूज़ के उससे पहले आप डील कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो सेकंड स्टेज आता है उसका भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो फर्स्ट स्टेज है उसको हम कैसे देखेंगे, ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें पूरी होम्योपैथी की रेपर्टरीज होती हैं, हमने रूब्रिक्स देखनी होती है, उसमें रूब्रिक्स देखें तो किस तरह देखें। अब फॉर एग्जाम्पल एक रूब्रिक है फिर कॉन्टेजियन, यानी कि ऐसी जो आपकी मुतअद्दी बीमारी है उसका खौफ है, तो उसमें 20 मेडिसिन आती हैं, फिर कॉन्टेजिन आती है। इसी तरह हमारे पास एक रूब्रिक है, इसको कहते हैं रूब्रिक फिर कॉन्टेजिन। आप इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की रूब्रिक हमारे पास और होती हैं, उनको आप देख सकते हैं कि एक रूब्रिक आती है फियर डेथ ऑफ रेस्पिरेटरी कंप्लेंट विद, फियर डेथ ऑफ रेस्पिरेटरी कंप्लेंट विद, इसमें 2 मेडिसिन आती हैं। उसके बाद एक रूब्रिक आती है फियर डेथ ऑफ इम्पेंडिंग डेथ ऑफ, फियर डेथ ऑफ इम्पेंडिंग डेथ ऑफ, खुदा ना खास्ता मुझे इसकी वजह से मौत ना वाक़ हो जाए। उसके बाद फिर आ जाती जी फियर फियर फोबियस ऑफ कॉन्टेजियस एपिडेमिक डिजीज ऑफ डिजीज ऑफ, यानी एपिडेमिक डिजीज ऑफ ऐसी बीमारियाँ जो मुतअद्दी बीमारियों और वबा की तरह उनका खौफ। इसमें जो मेडिसिन आती है तकरीबन कोई 17 मेडिसिन इसके अंदर आती हैं। उसके बाद एक और रूब्रिक आती है पैनिक अटैक्स एनजाइटी फियर डेथ फियर विद, ये एक रूब्रिक है, इसमें 4 मेडिसिन आती हैं। उसके बाद रूब्रिक है एनजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, खुदा ना खास्ता मेरे बच्चों को ये बीमारी ना हो जाए। अब ये जो रूब्रिक है उसके बाद एक और रूब्रिक है, बड़ी खूबसूरत रूब्रिक है, सिर्फ फियर डिजीज ऑफ वायरल, यानी कि ऐसी बीमारी जो वायरल जो मुतअद्दी है वो वायरल है, वायरस की वजह से ऐसी डिजीज जो वायरस की वजह से होती हैं उनका खौफ होना, उसमें ओनली नक्स भूमिका आती है। अगर आप इन देखें सारी रूब्रिक को अगर जमा करें आप, तो उन रूब्रिक को जमा करें तो इनमें ये जो रूटीन में जो आपको बिफोर डेथ बिफोर डिजीज़ के फैलने से पहले जिन लोगों को पैनिक अटैक्स होते हैं, जिनको खौफ होता है खुदा ना खास्ता इस किस्म की बीमारी ना हो जाए, कॉन्टेजियस डिजीज ना हो, एपिडेमिक डिजीज ना हो जाए और इसकी वजह से डेथ ना हो जाए, पैनिक अटैक्स, इन सब में आर्सेनिक एल्बम, कैल्केरिया काब, लेक्सिस, फास्फोरस, ये जो उसके बाद आती है कार्सिनोसम भी इसमें आती है, ये इनमें मेडिसिन बहुत ज़्यादा कॉमन आ रही हैं। तो इनको आप उनमें से फिर आप प्रॉपर रूब्रिक लगा के तब मेडिसिन उसकी पहले अटैक से आपको बिफोर द ट्रीटमेंट अगर कोई आपके पास आता है तो दे सकते हैं। सेकंड स्टेज आता है खुदा ना खास्ता कि डिजीज़ हो जाती है, किसी को डिजीज़ है तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, किस तरह कर सकते हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और उनसे सबसे अपील करता हूँ कि जो हमारे होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं ये फुली तैयार होते हैं, हम पूरी सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं, हम अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, तमाम होम्योपैथी डॉक्टर्स इसके लिए
अपनी सर्विसेज और फ्री ऑफ कास्ट, मैं तो पर्सनली तौर पे तो फ्री ऑफ कास्ट देने के लिए तैयार हूँ। खुदा ना खास्ता कहीं भी होते तो हम अपनी सर्विसेज हर लिहाज से हम देंगे, और अपने कौम को खुदा ना खास्ता कोई इश्यूज आता है तो उसमें हम तैयार हैं और उनको देने के लिए। और मुकम्मल तौर पर हमने अपने आप को स्टडी कर लिए, देख लिए, स्टडी को भी किया हर एंगल से। सेकेंड नंबर पर आपके पास दूसरी रूब्रिक्स जो आती हैं, क्या आती है, एनजाइटी हेल्थ अबाउट, किसी को बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ की टेंशन है। फिर उसके बाद एक रूब्रिक आती है एनजाइटी हेल्थ अबाउट अदर्स रिलेटिव, यानी अपने रिलेटिव की, अपने बच्चों की, इसकी रूब्रिक है। उसके बाद रूब्रिक है एनजाइटी हेल्थ अबाउट रिलेटिव लिटिल कंसर्न, मेरे मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे ज़्यादा दूसरों की, अपनी से दूसरों की ज़्यादा, इसमें रूब्रिक का मतलब है दूसरों की ज़्यादा मुझे फिक्र है, अपनी काम है। इसी तरह फिर एक रूब्रिक आती है फियर क्राउड्स इन पब्लिक प्लेसेस, इन यानी कि क्राउड्स में जो है वो पब्लिक प्लेसेस में जाने का फियर होता है। इसी तरह फिर रूब्रिक है एनजाइटी एंटिसिपेशन फ्राम, इसमें कोई 80 मेडिसिन आती है एनजाइटी एंटिसिपेशन फ्राम, तो ये उसके अंदर आ जाता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन, अभी चीज़ हुई नहीं उससे पहले बहुत टेंशन है। फियर डेथ ऑफ फैटल एंड एंड ऑफ डिजीज ऑफ, यानी कि ऐसी खुदा ना खासा फैटल डिजीज है उसका जो एंड होता है उसका बहुत खौफ है। तो ये सारी रूब्रिक मैं मैसेज में आपको लोगों को शेयर कर दूंगा, अगर रूब्रिक आपने देखनी हुई और उसके मेडिसिन समेत आपको मैं साथ शेयर कर दूंगा। अगर किसी ने मजीद कन्फर्म करना चाहते हैं तो मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लें 0331-5062-114-50-62-114 50-62-114 कोड है इसका 0331। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।